हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई ट्रिक जिसमें आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं या प्रिंट की स्क्रीन को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखिए कि ये जो हमारा पूरा डेस्कटॉप दिख रहा है, हमें इसका स्क्रीनशॉट पूरा लेना है। तो इसको लेने के लिए ये कीबोर्ड में बहुत सारी तरह की ये कीबोर्ड होती हैं, कीज़ होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन और प्रिंट स्क्रीन करके बहुत सारी। उसको हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद अब हम पेंट में चलते हैं। पेंट में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधे पेस्ट कर देंगे जो इमेज हमारी क्लिपबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन से आई थी। तो उसको हमने ये कर दिया और इसको अब हम सेव कर लेते हैं। आपने देखा कि ये हमारा पूरा का पूरा डेस्कटॉप इस इमेज में आ चुका है। देखिए, पूरा का पूरा हमारा स्क्रीनशॉट हो गया है। पहला इसको एक जेपीजी में सेव कर लीजिए। अब दूसरा एक तरीका है कि हम इसको बताएंगे कि जैसे ये हमारा एक नोटपैड है और ये कैलकुलेटर है, तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से ऐसा लें कि सिर्फ ये डायलॉग बॉक्स ही हमारा प्रिंट स्क्रीन हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं और अल्ट बटन के साथ हम प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों पेंट ओपन करते हैं। पेंट ओपन करने के बाद सीधे हम कैम, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये जो बॉक्स है थोड़ा सा छोटा रहे ताकि हमारा जो इमेज आए ताकि वो पूरी तरह से फिल हो सके। तो अगर पूरा बड़ा है, इस तरह से अगर बड़ा है तो इसको आपको छोटा कर लेना है। तो इसके बाद क्या करना है, हमें सीधे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद पूरा फिट बैठ जाता है। फिट बैठने से हमारी इमेज अच्छी आएगी। तो इसको क्या करते हैं, हम फिर हम सेव कर लेते हैं। सेव कर के मान लिया इसको हम नंबर 2 दे दिए, तो फिर से क्लोज़ कर दिया। अब देखिए हमारे सिर्फ कीबोर्ड का, सॉरी, ये कैलकुलेटर का आ गया है। कैलकुलेटर को हम बंद कर देते हैं। फिर मान लिया हमें इसका सिर्फ इतने डायलॉग बॉक्स का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके लिए फिर से हम अल्ट स्क्रीन प्रेस कर सकते हैं और अल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन कर देते हैं। अब फिर पेंट में जाते हैं। पेंट में जाने के बाद सीधे फिर से हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों कि हमारा पूरा प्रिंट स्क्रीन काम कर गया है। अब इस तरह से हम कभी भी, जैसे मान लिया आपकी अगर मीटिंग हो रही है या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है जिससे आपको ज़रूरत है या कुछ ओपन है, तो आप लोग उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले करके एक इमेज बना सकते हैं अच्छी खासी, जो आपके बहुत ही काम आ सकती है। जैसे इसको हम दिखाते हैं कि ये हमारा डायलॉग बॉक्स, ये देखिए पूरी प्रिंट स्क्रीन है जो हम सिर्फ प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज़ करते थे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखिए हमारा ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का प्रिंट आया है और यहाँ पर हमारा सिर्फ नोटपैड का प्रिंट आया है। तो दोस्तों इसी तरह की ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें और लाइक करें ताकि हमें और अच्छा मोटिवेशन मिले और इस तरह की बहुत से बहुत अच्छी और डीप नॉलेज मैं आप लोगों के सामने रख सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद।